देर गुड मॉर्निंग ग्राफ्सून गुड इवनिंग असीम भारद्वाज हाव यू गाइज ड्रॉइंग हैप्पी वीकेंट टूल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दिस इज अन द वीडियो ऑन मलेशिया री ओपनिंग और लंकावी रीओपनिंग इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ एक लेटेस्ट डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग डिवलपमेंट हुई है पीछे चार या पाँच दिन पहले और हुआ यह है कि चेन्नई और मुंबई के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसके अंदर लंकावी के एस ओ पी को डिस्कस किया है ठीक है लंकावी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं ट्रैवलिंग के ट्रैवल बबल के उसको डिस्कस किया गया रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया के अंदर और नाउ दे आर फाइनली कॉलिंग इंडियंस टू लंकावी ओनली लंकावी बाय द वे ठीक है विच इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट प्रोग्राम अब इसके अंदर आपको ये भी पता है कि कोवैक्सिन को अप्रूवल को मिल गया था नवम्बर पंद्रह के आसपास और लंकावी को भी खोला गया नवम्बर पंद्रह के आसपास लेकिन पहले कोई क्लैरिटी नहीं थी अगर ट्रैवलिंग की बात करें इंडियंस के लिए लेकिन अब जो है फाइनली दे कॉलिंग इंडियंस तो यहाँ पे ये एक अच्छी खबर है इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं आज ई वीज़ा के बारे में पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे इसके अलावा हम बात करेंगे फ्लाइट्स के बारे में होटल्स के बारे में कुछ मिसलिनियस इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट करूँगा इसके अलावा जो है रिसोर्सेज जितने भी रिसोर्सेज लिंक्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने जा रहा हूँ उसको मैं स्क्रीन पर भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूँगा अब जो एस ओ पी है रिसेंटली फिर नवम्बर चौबीस को अपडेट की गई है उसमें जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो लोग तीन दिन से ऊपर रहना चाहते हैं मलेशिया में सात दिन का टाइम बिता सकते हैं और किसी भी प्रोविंस में ट्रैवल कर सकते हैं मतलब ये कि सातवें और आठवें दिन आपका आठवें दिन आपका आर टी टेस्ट किया जाएगा और आप किसी भी प्रोविंस में जा सकते हैं लेकिन वो भी रिस्ट्रिक्टेड है ऐसा नहीं है कि सभी प्रोविंसेस में आप इस वक्त एंटर कर सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर चांसेस हैं कि आप रुक के जो है और प्रोविसेज में विदिन मलेशिया ट्रैवल कर सकें या मलेशिया से बाहर जाना चाहते हैं किसी और कंट्री में वो भी आप कर सकते हैं ओके तो ये सब चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करने लगे हैं इस वीडियो के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में ये वीडियो लंबी हो सकती है आज तो वीडियो की लेंथ अगर लंबी है तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा पोर्शंस में आ, तो आगे पीछे जो है वीडियो सीरीज़ जो है पूरी आपको देखने को मिल जाएंगी एनी वेज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन नोटिफिकेशन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा ओके लेट्स गेट स्टार्ट ओके okay, तो सबसे पहले देखते हैं कि मलेशिया का ई वीज़ा कौन इस वक्त ले सकते हैं तो यहाँ आप लेफ्ट साइड पे आप पढ़ेंगे इस साइड पे भी आपको मैं लेके चलूँगा जहाँ डेमो दूंगा कि किस तरीके से आपको ई वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है ठीक है आपको किसी भी थर्ड पार्टी के चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप ई वीज़ा बहुत आसानी से खुद ही अप्लाई कर सकते हैं और मैंने किया भी है जैसे कि मैंने ई एन टी आर आई नोट होता था एक पहले इंडियंस को फ्री एंट्री के लिए फ्री uh, नहीं होता वो सॉर्ट ऑफ इट्स नॉट अ वीज़ा जस्ट इमिग्रेशन नोट जो कि आप इमिग्रेशन पर दिखाते हैं और आपकी एंट्री प्रूफ uh, हो जाती है आपका पासपोर्ट स्टैम्प्ड होता है uh, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ई वीज़ा मेडिकल इम्प्लीमेंटेशन इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप स्टार्टिंग ऑफ नवंबर ट्वेंटी E visa is available for all nationalities that require visa. Kindly refer to terms and conditions. Okay, fine. E visa application updated requirements starting 15th of November 2021. E visa Malaysia will accept application for foreign visitors who do not have long term pass. एंड द कंट्री ऑफ residence, ठीक है पंद्रह नवंबर से वो ई वीज़ा की एप्लीकेशन जो हैं ले रहे हैं इस वक्त एक्सेप्ट कर रहे हैं और उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म पास पे नहीं आ रहे हैं जिनके पास किसी भी किस्म का पास नहीं है ओके okay? जस्ट uh, वो टूरिज्म के परस्पेक्टिव से आ रहे हैं या ऑफिशियल विज़िट्स के लिए आ रहे हैं राइट मेडिकल विज़िट्स के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए नौ स्टार्टिंग फिफ्टी नवंबर ई वीज़ा मलेशिया विल अलाउ फॉरन विजिटर्स विद ऑफिशियल एंड बिजनेस विजिट पर्पस इज एज वेल ठीक है तो ऑफिशियल जैसे मैं पहले कह रहा था बिजनेस के पर्पज के लिए आप विजिट कर सकते हैं ई वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको सारे ऑप्शन दिखाने लगाऊँ आगे ओके लेट्स ही अब सबसे पहले तो ये समझना है कि मलेशिया का ई वीज़ा बेसिकली क्या है ई वीजा इज एन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म दैट एनेबल फॉर नेशनल टू अपलाई फॉर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा टू इंटर मलेशिया एट द कम्फर्ट ऑफ योर कन्वीनियंस तो घर बैठ के आप कर सकते हैं लिस्ट ऑफ अप्रूवड कन्ट्रीज़ नेशनलैटीज़ जो हैं आप देख सकते हैं इसके अंदर बायदा भाई बता दूँ कि इंडिया का नाम है श्रीलंका का भी नाम है इसमें नेपाल का भी नाम है बांग्लादेश का भी है पाकिस्तान का भी है इसमें ठीक है भूटान का भी है इसमें तो इन सभी कंट्रीज के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं ओके okay, तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट स्लाइड पर है हाउ लॉन्ग विल माई ई वीज़ा बी वैलिड फॉर E-visa is valid for 3 months while e-visa holder is entitled to stay up to maximum 30 days for each visit in Malaysia. ओके okay. तो तीस दिन के लिए आप रुक सकते हैं एक ई e वीज़ा के अंडर और तीन महीने के लिए वैलिड होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि तीन महीने के अंदर आपको ट्रैवल करना जरूर है हाउ डू आई गेट स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट यू आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन आई एम न्यू टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एक्जिस्टिंग एप्लीकेंट यू आर रिक्वायर टू क्लिक ऑन रिटर्निंग यूजर टू रिटर्न टू योर अकाउंट तो एनी वेज ये चीज़ मैं आपको दिखाने लगाऊँ स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं ओके okay, इसके बाद है व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड टू अप्लाई फॉर ई वीजा बिलो आर द डॉक्यूमेंट्स रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ठीक है पासपोर्ट फ्रंट पेज एज पर सैम्पल कंफर्म रिटर्न फ्लाइट बुकिंग्स बर्थ सर्टिफिकेट माइनर एप्लीकेंट्स इनफैक्ट इन सम केस अकोमोडेशन भी आपको लगानी पड़ती है जो कि इसमें एडिड नहीं है सॉरी फॉर दैट बट एकोमोडेशन नीड्स टू बी एडिड एज वेल ओके चलिए इसको भी बंद करके मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे <coughs> फिर है what is the approval process for e visa your application is subject to approval by the malaysian immigration department or malaysian mission office ठीक है तो वो लोग आपकी एप्लीकेशन को चेक करेंगे वो approve करेंगे वही ultimate authority है इसके लिए will i have to print out my e visa yes you are required to print out and will receive your e visa in an a4 print out format तो आपको उसको प्रिंट आउट लेना है जब आपका अप्रूवल आ जाए ठीक है

ईमेल नोटिफिकेशन तो मैं आपको प्रोसेस जब पूरा दिखाऊंगा तो बताऊंगा उसके अंदर कि आपको ईमेल की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है और वही ईमेल आपका रहता है फॉर एनी फर्दर यू नो कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए और इसको मैं बंद करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर फटाफट फड़ से चलता हूँ वट आर द डॉक्यूमेंट्स

सब चलेगा टू कवर एक्सपेंसिस ड्यूरिंग योर स्टे एट मलेशिया कन्फर्म्ड रिटर्न फ्लाइट टिकट एंड प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन ठीक है तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे वो मिसिंग था पॉइंट पहली स्लाइड के अंदर तो इसके अंदर ऐड कर दिया है कन्फर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट एंड प्रूफ ऑफ अकामोडेशन ईज टू बी शोन ओके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ओके okay, इसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड पे हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू अपटेन एन ई वीजा टेक्स अपू फोर्टी एट आवर्स तो जैसे मैं पहले कह रहा था चार से पाँच वर्किंग डेज के बीच में आ जाता है इसके आसपास आता है इनफैक्ट मेरा दो दिन में ही आ गया था ना वॉट डू आई हैव टू प्रोवाइड फॉर एकोमोडेशन डॉक्यूमेंट्स इफ आई एम स्टेइंग एट अ फ्रेंड और रिलेटिव प्लेस एड्रेसिंग टू द इमिग्रेशन ऑफिसर यू मे राइट अ सिंपल कवर लेटर स्टेटिंग योर नेम पासपोर्ट एंड द एड्रेस यू आर गोइंग टू स्टे इन मलेशिया ठीक है तो एक कवर लेटर आपको लिखना पड़ता है उसमें अपना नाम पता अपना पासपोर्ट अपना जहाँ पे आप स्टे करने लगे हैं उसका एड्रेस जो है वो आपको स्पेसिफाई करके उनको दिखाना पड़ता है हाउ डू आई अप्लाई फॉर बिजनेस वीज़ा ऑनलाइन प्लीज बी इंफॉर्म डेट ई वीज़ा इज़ फॉर टूरिज्म स्टूडेंट्स एंड एक्सपेट्रिएट परस इट इज़ रिकमेंडेड टू अप्लाई योर बिजनेस वीज़ा एट हाई कमीशन काउंसिलेट ऑफ एम्बेसी ऑफ मलेशिया नियरेस्ट यू वेल एनी वेज जो उनकी साइट है जैसे इनफैक्ट लेट मी शो यू अगर मैंने अभी भी उसको खोल के रखा है जैसे हमने पहले ये डिस्कस किया यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग नवंबर ट्वेंटी ई वीज़ा मलेशिया विल अलाउ फॉरेन विजिटर्स विद ऑफिशियल एंड बिजनेस विजिट पर्पसेस तो ई e वीज़ा जो है जो बिजनेस विजिट पे जाना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो बेसिकली आपने पहले देखा है स्लाइड के अंदर दोज आर एक्चुअली यू नो जर्नर गाइडलाइंस फॉर द पीपल ओके तो ये कुछ सवाल जवाब हैं जो कि uh, इसमें हमने कवर किए हैं आपके साथ और लास्ट पॉइंट भी है इसमें आई हैव अप्लाइड माय ई वीज़ा फ्रॉम अनदर वेबसाइट एजेंट हाउ डू आई चेक माय वीज़ा स्टेटस काइंडली नोट दैट मलेशिया वीज़ा डॉट आई एम आई गवर्नमेंट डॉट माई इज़ द ओनली ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट तो वो मैं आपको दिखाने लगाऊँ आगे ओके okay? जो लोग ट्रांजिट करेंगे उनके लिए दिस इज इशू टू फॉर नेशनल्स रिक्वायर अ वीज़ा टू एंटर मलेशिया ऑन ट्रांजिट टू अदर कंट्रीज फॉर नेशनल्स ऑन ट्रांजिट विदाउट लीविंग द एयरपोर्ट प्रमाइस एंड हु कंटिन्यू द जर्नी टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन विद द सेम फ्लाइट डू नॉट रिक्वायर अ ट्रांजिट वीज़ा तो उसका मतलब यह है कि जब आप वहाँ लैंड करते हैं और आप अगर ट्रांजिट एरिया के अंदर ही रहते हैं तो आपको किसी भी किस्म के ट्रांज़िट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है आप अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकते हैं वहाँ से अगर आप सिटी में रुक रहे हैं जैसे कि एक या दो दिन रुकने लगे हैं जो कि अभी एप्लीकेबल नहीं होगा आई थिंक सो बिकॉज अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं सारी सिटीज़ नहीं खुली हैं कौलमपुर टूरिज़म के परस्पेक्टिव से नहीं खुला है ठीक है तो देखा जाए तो आप अगर यूजली किसी सिटी में जाते हैं तो आपको ट्रांज़िट वीज़ा फिर लेना पड़ता है उसके लिए तो उसका प्रोसीजर उसका प्रोसेस अलग है एनी अभी मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना था क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हर जगह काफी हैं। एनी वेज एंड ना ही मैं किसी को एडवाइस करता हूं तो अगर आप ट्रांसिट करें सिंपली आप ट्रांसिट एरिया में रहें अपना जो कनेक्टिंग फ्लाइट है उसका टाइम जो है अपना इस तरीके से रखें कि आपको ज्यादा देर वेट ना करना पड़े द मलेशियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑल्सो अलाउज ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर नेशनल फ्राम सर्टन कैट कंट्रीज़ थ्रू ई वीज़ा तो कुछ कंट्रीज़ पे वो एप्लीकेबल होता है तो so, एनी ये मैंने सिर्फ आपको आपके नॉलेज के लिए रेफरेंस के लिए दिखाया है सो डोंट गेट कन्फ्यूज विथ दिस ओके तो देखते हैं कि आप ई e वीज़ा खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो मैं इस लिंक पे हूँ मलेशिया वीज़ा डॉट आई एम आई डॉट गवर्नमेंट डॉट माई ओके इस आ, लिंक को आप सर्च करेंगे गूगल कर सकते हैं और जैसे करेंगे तो इस पेज पर पे आप आते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन देंगे आपको राइट साइड पर आई एम न्यू अप्लाई रिटर्निंग यूजर्स क्लिक ऑन आई एम न्यू यहाँ मैं डालता हूँ अपना नाम तो अब हम जो है रजिस्ट्रेशन करने लगे हैं ओके okay? और नेशनलिटी इंडिया ओके पासपोर्ट नंबर कुछ भी एनी थिंग लखनी सी और जेंडर मेल डेट ऑफ बर्थ से अक्टूबर uh, और uh, 1980 एटी से ओके okay? और यहाँ पे मैं डालता हूँ साउथ एवेन्यू green fields apartments postcode city phone number I hope so ये किसी और का ना हो तो मैं कुछ randomly डालने की को कोशिश करता हूँ okay माई ई मेल एड्रेस ये आपको सही डालना है अदरवाइज uh, आपको एक्टिवेशन ईमेल नहीं मिलेगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक्टिवेट करना पड़ता है अपना बोटल यहाँ yeah, मैं पासपोर्ट डाल देता हूँ ठीक है कैप्चा यहाँ पर दिखाता है मेक श्योर ऑल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आर करेक्ट यू आर नॉट यू बी एबल टू चेंज योर डिटेल्स आफ्टर दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ओके तो जो रीएक्टिवेशन की मेल है वो मेरे मेल बॉक्स में स्पैम फोल्डर में पड़ी हुई है तो स्पैम फोल्डर चेक करना ना भूलना यहाँ पे आपको करना है क्लिक हियर टू वेरीफाई योर अकाउंट ओके आप दोबारा उस पेज पे आ जाएंगे जहाँ आपको लॉगिन करना पड़ेगा तो मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ पासवर्ड मैंने सही डाला कि नहीं डाला देखते हैं जी यू जे कैप्चा दे वी गो आई मीन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई नॉक का ऑप्शन आ रहा है ठीक है सारे आप पढ़ सकते हैं आपको पहली बात तो ये है कि जब भी आप ई e वीज़ा अप्लाई करेंगे अपनी एप्लीकेशन आपकी जब अप्रूव होगी तो उसका प्रिंट आउट आपने लेना है से ओके तो एक बार देखते हैं मुझे अभी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये कैसा लगता है तो यहाँ पर हमारे पास ये आते हैं ई वीज़ाज में ऑप्शन टूरिस्ट वीज़ा स्टूडेंट ओके फॉर एक्सपैट्स मेडिकल और स्पेशली टूरिस्ट को देखते हैं फॉर इंस्टेंस ई वीज़ा फॉर इंडियन नेशनल टूरिस्ट इज़ वैलिड फॉर सिंगल एंट्री एंड मल्टीपल जर्नी टू मलेशिया फॉर पर्पज ऑफ टूरिज्म ट्रिप्स फॉर द मैक्सिमम ऑफ थर्टी डेज एप्लीकेंट दैट हैज़ एंटर्ड मलेशिया यूजिंग ई वीज़ा फॉर टूरिस्ट इज़ नॉट अलाउ ट्लाई फॉर एनी पासिस वायर इन साइड मलेशिया फाइन मेक सेंस Proceed पर क्लिक कीजिए एंड आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पर्टिकुलर्स यहाँ पर डालने आप देख सकते हैं फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी uh, आपको पासपोर्ट का जो है फ्रंट और बैक कवर जो है वो अपलोड करना है यहाँ पर इसके अलावा आपकी फ़्लाइट की टिकट्स अगर हैं तो आप उस डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं उस वाउचर को कर सकते हैं अकोमोडेशन का कर सकते हैं और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट विजिट कंट्री तो उसका आप पासपोर्ट पर स्टैंप दिखा सकते हैं आपने लास्ट विजिट की है या आई काइंड ऑफ यू कैन जस्ट राइट कवर लेटर कि आपने कब लास्ट ट्रैवल किया था अब्रॉड तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वीज़ा टाइप डिटेल्स जैसे कि सिंगल एंट्री के लिए मैं जाना चाहता हूँ राइट पर्पज़ ऑफ स्टे बिजनेस, ऑफिशियल मैटर्स एंड टूर तीन ऑप्शन हैं आपके पास टूर को सिलेक्ट कर लीजिए आप दैट्स ऑल इसके अलावा आपको जो है अपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ ऑल द रेस्ट ऑफ इट नीज टू बी फिल्ड एंड ओके एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू एंड देन आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है uh, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन सबमिट करनी है और यूजअली इसका चार से पाँच दिन का टाइम लगता है फोर एंड फाइव वर्किंग डेज में आता है एक्सक्लूडिंग योर वीकेंड्स राइट तो वर्किंग डेज़ के अंदर आपका अप्रूवल इसका आ जाता है ठीक है मेक uh, श्योर sure कि आपके पास एड्रेस भी हो यहाँ पे एड्रेस इन मलेशिया करंट लोकल एड्रेस आपका इंडिया का जो भी जैसे हमने पहले डाला था वो सब आपका इसके अंदर हो दैट्स इट और तो अगर आपने ई वीज़ा का स्टेटस चेक करना है अपना तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं सिंपली क्लिक कीजिए यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पासपोर्ट नंबर डालना है अपने स्टिकर नंबर डालना है क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं एक टोकन नंबर आता है उस पर एक बार कोड होता है एक्चुअली वो आपको जो होता है यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है और कैप्चा आपने डालना है टू बी ए जैसे यहाँ पर दिया है एंड चेक तो आपके सामने प्रॉपर स्टेटस आ जाएगा कि आपका वीजा का जो स्टेटस है वो अप्रूफ है डिसअप्रूवड है या पेंडिंग है जो भी है आप देख सकते हैं